उपमंडल सलूनी में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामले को लेकर उपमंडल प्रशासन सतर्क हो गया है। जहां तीसा, चंबा व डलहौजी को उपमंडल मुख्यालय सलूनी के साथ जोड़ने वाले सुनला बाजार में 4 दिनों के लिए पूरी तरह लॉकडाउन लगा दिया है। 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक सुनला बाजार पूरी तरह बंद रहेगा। संपूर्ण लॉकडाउन के बाद जिला चंबा में ये पहले प्रशासनिक आदेश हुए हैं जिसमें कोरोना वायरस की कड़ी को तोड़ने के लिए फिर से पूरे बाजार को बंद करने के निर्देश जारी हुए हैं। बाजार 4 दिन के लिए बंद करा है, एसेंशियल सर्विसेज इसमें चली रहेंगी। इसके पीछे ये आइडिया है कि जो कोरोना के केसेस हैं वो सलूनी के अंदर एक पैटर्न से आ रहे हैं। यहाँ पे 4 जगहों से बहुत केसेस आ रहे हैं, भलई, सुंडला, किहार और सुरगानी, और यही चीज 2-3 महीनों से देखी जा रही है। इसी को ध्यान रखते हुए हम चाह रहे हैं कि पहले ही स्टेज में इसे रोका जाए ताकि आगे और इन्फेक्शन ना हो और लोग अपनी सावधानी बरत पाए। इसके पीछे यही आइडिया है कि जो चेन बनी हुई है उस चेन को ब्रेक करा जाए और लोगों को थोड़ा जागरूक करा जाए कि अभी भी हमारे साथ कोरोना है और अभी भी हमें सावधानी के साथ रहना है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सलूनी से सुरेश ठाकुर की रिपोर्ट।